तो माँ ने कह दिया कि सर्कस वाली ड्रेस है। देखो हमने आते क्या किया यहाँ पर, सारे बैग खोल दिए, सबने कपड़े चेंज करे, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे व्यू इतना अच्छा है तो हमसे रहा नहीं गया। शोमिता ने कहा कि अगर तुमने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई तो अब तो मैं मैं ऐसे ही खींचूंगी। अगली बार तुम्हारे साथ कहीं नहीं घूमने जा रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसे मत कर, माँ को भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, माँ गई हैं अंदर यहाँ पर तैयार होने, और मैं हो चुका हूँ तैयार। येलो येलो डर्टी फेलो, ओ हेलो। ये नहीं फुल बोलते तरीके से तैयार हुआ जा रहा है, मैं तो रेडी हो चुका हूँ। फुल तरीके और हाफ तरीके क्या होता है? मैं हाफ तरीके से तैयार हूँ ना, देखो तुम फुल तरीके से तैयार हो। फूल और हाफ बोल के कुछ नहीं होता। मैं आपने फुल मेरा तरीके से तैयार हूँ अभी, हाफ तरीके से मतलब तुम्हारा मेकअप चल रहा है अभी। कर माँ हो गए तैयार, ये पागल वाला ड्रेस मुझे दे। आ जाओ सारे बाहर, आ जाओ बाहर आ जाओ। मम्मी को जबरदस्ती दिया, मैंने यही पहनना है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आराम से आऊंगी, यहाँ पे इधर आके क्या सूट लड़की। मैं अच्छी तो लग रही हूँ अच्छा, ऐसे इधर देखो, इधर खड़े हो, अच्छा लग ऐसे रहा है दिखाओ माँ, दिखाओ मेरा चश्मा। इधर तो दिखाओ। अच्छा बारिश होता तो बुरा लग रहा है, हाँ ये पहनो, बुरा यह लग रहा है। कूल बेबी, चुप टोपी, अब बोलो आई एम सो कूल, नहीं टोपी नहीं, आई एम कूल बोलो, आई एम कूल। यह बेबी। बॉडी लैंग्वेज देख के मेरी बॉडी लैंग्वेज हंसूंगा, हो क्या हुआ है? जैसे सर्कस में होता था ना पहले, सर्कस में होता था ना पहले। तुम सर्कस, वो तो सही तो बोल रहे हो, सर्कस में गए ना तुम पिछले दिनों हाँ में। वही तो मिली थी तुम मेरे को, अच्छा ऐसा वाला ड्रेस भी खरीद के लिया तूने वही तो ऐसे? देखो मम्मी मैंने अच्छा ड्रेस खरीद के लिया, मैंने कोई बुरा बताओ, माँ ड्रेस। ने कह दिया कि सर्कस वाली ड्रेस है। तुमने पसंद भी किया था, मेरी मेरी गलती ना दो। बार रिसेप्शन मेडिकल सेंटर कहाँ जाना है? आ जाओ।
दिस इज मिंट कूल। तुम क्या पी रहे हो? माँ तो वाइन पी रही, मैं भी सोचता हूँ क्या पीऊँ, अभी जाकर देखता हूँ। शक्ल दिखा, व्लॉग में जाएगा ये। The next day. हम सब सुबह सुबह उठ गए। पारस ना এখন লাইট জ্বালাইলে দেখা যায়, লাইট জ্বালা লাইট না জ্বালাইলে কিছু দেখা যায় না। इसी को खाते लो, तुम खा लो उठा के। ये वाले नहीं होते, वो बड़े वाले होते। शिट कितने सारे, बाप रे पैर खाली पैर आई हुआ, काट लिया तो। ये काटने वाला क्रैब है? नहीं नहीं फिर कुछ नहीं करेगा पक्का। हाँ। लास्ट डे, अब हम चेकआउट करने वाले हैं। लास्ट फ्यू आवर्स, नॉट लास्ट डे। जाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाँ। ओह, इस व्यू को ना बहुत ज्यादा मिस करूंगी, बहुत। एक्चुअली अभी लग रहा है कि 3-4 दिन भी कम पड़ गया। वैसे तो यहाँ पे करने लायक कुछ था नहीं, आप कितना देर ही पानी देखोगे, बट स्टिल एक और दिन होता तो बेटर होता। कैसे ऐसे? क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा लग रहा है यहाँ से छोड़ के जाने में? बहुत ही डर लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है, देखो इतना ज्यादा एक्टिविटी हमने सब कर लिया, थाईलैंड में भी किया था, और अभी है कि जाएंगे, ऐसा व्यू और ऐसा एटमोसफेयर और फील नहीं मिलेगा बॉम्बे में जाके। बॉम्बे में वही मम्मी, ये वाला देखो सी प्लेन जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है सी प्लेन? वो जो गया वो सी प्लेन था, चला गया।
तो अब हम चल दिए हैं, सो दिस इज द टेक वापसी के लिए। मज़ा बहुत आया, बहुत सारी चीज़ें थी करने को, बट हमने जितना भी है वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया। माँ को अब मज़ा आ रहा है, कल डर रही थी माँ, कहती नहीं नहीं पानी है मैं नहीं जाऊँगी, और अभी देखो किसे मस्त चल रही हैं। वापसी की तरफ चलते हुए, वहां छोड़ते हुए, सबके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। ये दोनों अभी गिफ्ट के शॉप में जा रहे हैं, देख क्या लेते हैं सबके लिए, चाहे सबको गिफ्ट पसंद आ जाए। बस ये बस ओके, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मालदीव्स के लिए। अभी इन लोग बहुत जल्दी में है, अभी हम जा रहे हैं। बस बाय बाय और रहन अभी। सो गोइंग टूवर्ड्स द बोट, वहाँ से लोग आए हैं और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं प्रणाली। इसके ऊपर पानी ज़्यादा था ना? नहीं, हाँ बट जा सकते थे, बट वही वक्त नहीं मिला आज। अभी बहुत ज़्यादा सनी हो गया है वेदर, एकदम ब्राइट हार्श। इधर से आप स्कूबा डाइविंग वगैरह कर सकते हो, ये मस्त जगह है। पीपल आर कमिंग, पीपल आर गोइंग, सी देखो ये इन्होंने बना रखा है एरिया ये डाइविंग के लिए। सही, यहाँ पे थोड़ा सा आप पानी में आके और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, देखो वहाँ पे कितना क्लियर है पानी। हमारी बोट आ गई, अब हम जाएंगे सीधा एयरपोर्ट। टाटा।
हमारा लगेज भी आ गया, ये रहा हमारा लगेज एंड वी आर ऑफ टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आ गए हैं, हमने चेकिंग कर लिया, इमिग्रेशन कर लिया और हमने खरीदा है $5 का बचा हुआ पैसे से, क्योंकि पैसे तो खर्चने थे थोड़े से, जो बच गया था उसको खत्म करके जाना था, हमने ले लिया बिकॉज रेट कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। बड़े सुपर यम $5 का है, मालदीवियन करेंसी में आएगा 77 रुपया, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट सिर्फ 80 रुपया ही बचा था, ये बचा था जिसकी हमने एक कॉफी ले ली और ये ले लिया जो पैसा बचा हुआ था। 200 रुपए बचे थे, 200 रुपया बस बचा, उसमें से मैंने $5 की कॉफी पी। फिर जाना है तो फिर करोगे? फिर जाएंगे तब करेंगे करेंसी, अभी तो नहीं जाना, अभी करेंसी चेंज करके कुछ मिलेगा, अब जब बनेगा तब तब। इसने थाईलैंड का रखा हुआ है, तो कितना पैसा रखा हुआ है? 1200 बात यहाँ का नहीं, उसका करीब 1200। हाँ मेरे पास बचा है 3000, लेकिन 3000 बचा हुआ। खुशी की गिल्टी बांध लें, ट्रे टेबल बंद करें और विंडो शीट्स को खुला रखें। हमने विस्तारा की फ़्लाइट करी थी जाते हुए बॉम्बे से माले और माले से वापसी बॉम्बे, सो वी कीप ऑन गेटिंग गुड फूड, सो दिस फूड विद बेवरेजेस, आपको कुछ भी पीना हो, वाइन है, कोक है, ऑरेंज जूस है, बियर है, विस्की है, दिस इंटरनेशनल फ्लाइट, सो हमने लिया है नॉन वेज, तो कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, ओह शी इज बिजी ईटिंग फूड, बट खाना इज गुड, खाते हैं बिकॉज मैंने पहले भी ट्राई किया, इट इज नाइस, सो लेट्स सी हाउ इट इज।